जो देश में परिवर्तन की जरूरत है और जो देश की जनता की जो जरूरत है, उसलिए हम लोग परिवर्तन पत्र लेकर के आए हैं और 24वें चुनाव है, इसलिए 24 जन वचन हम लोगों ने लाने का काम किया है। और इसमें मुख्य बातें ये हैं कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है। जो लोगों की मांग है, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में लोगों के साथ नौकरी छीनी जा रही है, रोजगार की व्यवस्था कुछ नहीं कराई गई है, और इसलिए हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी जो है देने का वादा किया है। और ये प्रण है हम लोगों का, यानी 15 अगस्त को जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, आने वाला जो 15 अगस्त होगा उस दिन हम लोग बेरोजगारी से आजादी लेंगे और नौकरी की प्रक्रिया जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो उस कवायद को शुरुआत हम लोग उस दिन से करना शुरू कर देंगे। आपने इस पे कई बड़ी घोषणाएं की है, जैसे कि 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, 30 लाख पे ही बीजेपी ने सवाल उठाए थे, अब 1 करोड़ की बात हो गई। आप देखिएगा, बीच में भी लोगों ने सवाल उठाया था, असंभव है, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, मुख्यमंत्री जी कहा करते थे। बीजेपी जो है 19 लाख का वादा करके गई, लेकिन बिहार को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों जब 17 महीने हम सरकार में आए तो 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा और तब तक चाचा जी पलट गए, लेकिन 15 अगस्त को ही हमने उन्हीं के मुंह से हमने अनाउंस कराया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। तो एक राज्य जब इतने बड़े पैमाने पे नौकरी दे सकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया है, तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिया जा सकता। 30 लाख जो नौकरियां जो है वो खाली पद है जिसको हम लोग भर सकते हैं, लेकिन 70 लाख जो नौकरियां जो है उसका पद का सृजन हम लोग करने का काम करेंगे, जिसमें हम सब लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो सेना में बहाली निकलती है, रेलवे में बहाली निकलती है, आप देखिएगा कई लोग जो है रिटायर होते हैं, कई लाखों की संख्या में सालों भर में रिटायर होते हैं, लेकिन 8-10 साल से जिस हिसाब से रेलवे और सेना में नौकरी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने सारा रिसर्च वगैरह करके हम लोगों ने किया है, तो इसलिए हम लोगों का ये प्रण है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को नौकरी जो है भारत सरकार में हम लोग देने का काम करेंगे। आप ओल्ड पेंशन की बात किए हैं, बिजली में आपने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली जो है, अग्निवीर जैसे अग्निवीर जो कानून है हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और लोग जो है काफी निराश है, नौजवान, उसमें पेंशन लोगों को नहीं मिलता, जो हमारे भाई जो देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, सरहद पर खड़े रहते हैं या अर्धसैनिक बल है, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है, और 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस योजना को हम लोग खत्म करेंगे, जो प्रक्रिया पहले चलती थी उसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोग ये काम शुरू